बताया जा रहा है उसकी तरफ से कि हम तैयार हैं, हम ईरान पर हमले करने, माफ कीजिएगा, इजराइल पर हमले करने के लिए कितनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके ईरान बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए तस्वीर जल्दी से आपको दिखा देते हैं, तस्वीर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि देखिए ईरान में किस तरह से लॉन्च की गई है ये मिसाइल। ये देखिए ये तस्वीर, ये दिखाने के लिए कि तैयारी बड़ी है, इजराइल से लोहा लेने को तैयार है। ईरान की मिसाइल का असर भी दिखाने की कोशिश, देखिए दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं कैसे धमाका होगा। देखिए अचानक से मिसाइल पहुंचती है और ब्लास्ट होता है, बड़ा ब्लास्ट होता है, और ये प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी किए गए हैं ईरान की तरफ से ये बताने के लिए। इसके बाद ये बताने की कोशिश है कि हम तैयार हैं, यानी अभी जितनी मिसाइलें बरसाई गई हैं 30 मिनट में, उससे ज्यादा बड़ी तैयारी है ईरान ये लॉन्च करके मिसाइलें, ये तस्वीरें जारी करके, वीडियोस जारी करके यही बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान के जो दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई हम समझेंगे, लेकिन कितना नुकसान हुआ। ईरान कह रहा है कि इजराइल पर 181 मिसाइलें धड़ाधड़ दाग दी गई, तस्वीर भी कल सामने आई, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ये बढ़ चढ़ कर बता रहा है, इजराइल के मुख्य इलाकों को, एरियाज को टारगेट किया गया है, और यहां तक कह रहा है ईरान की मोसाद का जो हेडक्वार्टर्स था उसको भी मिसाइल दाग करके ध्वस्त कर दिया गया है। नेवाते में एयरबेस को टारगेट किया गया, ये कह रहा है ईरान। इसके अलावा तेलनोफ एयरबेस को, यानी एयर बेसिस को जहां पर फाइटर जेट्स होते हैं और हेलीकॉप्टर्स होते हैं, क्योंकि एयर वॉरफेयर के लिए इजराइल जाना जाता है, ऐसे में उन एयर बेसिस को टारगेट किया गया, ये ईरान यहां कहता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार अपनी तरफ से वीडियो भी जारी कर रहा है, बातें भी कह रहा है, लेकिन इन बातों में सच्चाई कितनी है ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि ये जो खबरें, ये तो खबरें ही लग रही है, उनकी तरफ से बातें ही लग रही है, क्योंकि पहले भी बातें करते थे और लग रहा है कि अब भी बातें ही कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, तस्वीर के जरिए। देखिए तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती है, तो अब तस्वीर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये वो इलाका है जहां पर इजराइल के बम गिरे, जो मिसाइल थी वो गिरी। देखिए आपको तबाही तो नजर आ रही होगी, लेकिन ये रिहायशी इलाका लग रहा है, ये कोई ऐसा इलाका नहीं लग रहा कि जहां पर आप स्पॉट कर पाए कि F-35 विमान पड़े हुए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि 20 से 30 F-35 विमानों को ढेर किया गया है। लेकिन आप तस्वीर को गौर से देखिए, हम फुल फ्रेम कर रहे हैं तस्वीर को, आप गौर से देखिए कि आपको यहाँ कोई फाइटर जेट का कोई मलबा दिखाई दे रहा है क्या, आपको नजर आ रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये रिहायशी इलाका है या यहाँ पर फार्मिंग होती है? इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आ रही? ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये रिहायशी इलाका है, ये रिहायशी इलाका है, या हो सकता है यहाँ फार्मिंग हो, लेकिन यहाँ पर कम से कम F-35 विमानों का, फाइटर जेट्स का कोई मलबा नजर नहीं आ रहा। और ऐसे में दावे को लेकर प्रश्न इसीलिए खड़े हो जाते हैं, और ऐसे में ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ आई वॉश है, क्या सिर्फ एक तरीका है बताने का कि हमने तो कर दिया, हमने हमला कर दिया ईरान पर, इसराइल पर। ईरान का इसराइल पर 181 मिसाइलें दागने का जो दावा है वो तस्वीरों में सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इसराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आप सोचिए 181 मिसाइलें बरसा दी जाए, नुकसान ही ना हो, ये कैसे हो सकता है? हमले में एक शख्स मारा गया और कुछ लोग घायल हुए, ये आधिकारिक जानकारी है जो दी गई है वहां से। ईरान ने हमले के लिए फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो इनपुट्स हमें मिल रहे हैं, जो अंदर से जानकारी मिल रही, फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, और इन मिसाइलों को ईरान ने स्थानीय स्तर पर ही बनाया, यानी खुद बनाया, इन्हीं मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, और ईरान ने इन मिसाइल्स का इस्तेमाल खुद पहली बार किया है, पहली बार ट्राई किया है इस मिसाइल को। मिसाइलों की मारक क्षमता ऐसा लगता है कि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतना नुकसान नहीं हुआ। क्या इसराइल पर जो हमला हुआ वो केवल दिखावा था, सिर्फ ये दिखाने की कोशिश थी कि इसराइल जिस तरह से एक्शन ले रहा है, जब ईरान में हम देख रहे हैं कि हानिए की हत्या हो जाती है, या नसरल्ला पर जिस तरह से मौत उसकी हो जाती है, बंका बस्टम बम डालकर इसराइल एक्शन ले लेता है, तो क्या ये सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका है ये बताने का कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ वो रणनीति है जो ईरान फॉलो कर रहा है पूरे तमाम जो कट्टरपंथी देश हैं उनको मैसेज देने के लिए, जो कट्टरपंथी साथी हैं उनको मैसेज देने के लिए? क्यों मैसेज कह रहे? चलिए जल्दी से आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये वो मैसेज है जो पहुंच चुका है, जो ईरान देने की कोशिश कर रहा था। देखिए आप ये जो जश्न देख रहे हैं, ये जश्न मनाया जा रहा है इजराइल पर अटैक के बाद, ईरान के अंदर की ये तस्वीरें हैं, जश्न का माहौल है, और शायद यही चाहती थी ईरान की लीडरशिप। यही वजह है कि हमला इस तरह से किया गया, 181 मिसाइल दागने की बात जरूर कही गई है, लेकिन इससे कुछ बहुत फर्क होता दिखाई नहीं दिया इसराइल पर, लेकिन ईरान में कम से कम मैसेज चला गया कि इसराइल ने एक्शन लिया है, और शायद यही मैसेज देना चाहता था ईरान। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये सिर्फ आई वॉश है। तो तस्वीर आपको एक बार दिखा देते हैं कैसे जश्न मना हुआ है।
और जिस बड़ी खबर आ रही उसका रुख कर ले, जहां आपको बताएं कि अब इजराइल हमले की तैयारी कर रहा है और उसको लेकर बड़ी बैठक बुला ली गई है। जी हाँ, बड़ा अपडेट ही मिल रहा है, डिफेंस फोर्स के प्रमुखों की बैठक चल रही है इजराइल में इस वक्त। ये बड़ी जानकारी मिल रही है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। वॉर इस वक्त थर्ड फ्रंट पे कैसे तेजी से आगे बढ़ रही है, देखिए आईडीएफ, मोसाद और शिनबेत प्रमुखों की बैठक चल रही है, यानी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो डिफेंस फोर्स है उनके प्रमुखों की बैठक ये चल रही है। तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं और ये तस्वीर बता रही है कि तैयारी बड़ी है, प्लानिंग बड़ी है और इसको लेकर अब काउंटर अटैक का जो मैकेनिज्म है वो फिक्स किया जा रहा है, क्योंकि इसराइल सब कुछ सोच समझ कर करता है, यूं ही नहीं करता है। और यही वजह है कि एक तरह से देखिए ईरान ने ये कोशिश जरूर की कि वो ये बताए दुनिया को कि वो एक्शन लेगा। हानिए की हत्या उनके देश में हो जाती है, नसरल्ला को मौत के घाट उतार दिया जाता है, यानी जिन जिन आतंकी संगठनों को ईरान बैकिंग कर रहा था, प्रॉक्सी वॉर एक तरह से कर रहा था, उसे जंग के मैदान में इसीलिए कूदना पड़ा क्योंकि दबाव इसराइल की तरफ से बनाया गया, रणनीति इसराइल की तरफ से बनाई गई। और ईरान के जो दावे हैं वो कितने सच्चे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी देनी चाहिए। क्या फेल हो गया ईरान पर इसराइल का वार? क्या इसराइल पर ईरानी हमला सिर्फ आई वॉश था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान के दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है, क्योंकि ईरान के मुताबिक हजारों किलोमीटर दूर उसकी मिसाइलों ने ताबड़तोड़ आग के गोले बरसाकर सब कुछ राख कर दिया है। यरूशलेम से लेकर जॉर्डन वैली तक चीख पुकार मच गई, लोग शेल्टर होम में शरण लेने को मजबूर हो गए। लेकिन इसराइल पर अटैक के इम्पैक्ट को देखकर इन दावों पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ईरान ने इसी साल 13 अप्रैल को ऐसा ही एक और नाकाम हमला इसराइल पर किया था। ईरान के दावे के मुताबिक इसराइल में भारी नुकसान हुआ है, मिसाइल्स ने इजरायली शहरों के साथ साथ कई टैंक और फाइटर जेट्स को भी निशाना बनाया है। लेकिन इसराइल ने सभी रॉकेट को एयर डिफेंस की मदद से हवा में ही नष्ट करने का दावा कर दिया है। इसराइल ने बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों में से ज्यादातर हमले को हमने नाकाम कर दिया, हमारा डिफेंस सिस्टम काफी असरदार था, अमेरिका ने भी हमारी मदद की, मध्य और दक्षिण क्षेत्र में थोड़ा नुकसान हुआ, कोई इजरायली घायल नहीं हुआ, इस हमले में इजरायली वायुसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इस हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान को बेहद गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है, साफ कर दिया है कि जो देश इजरायल पर हमला करेगा उसे कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इजरायल और ईरान के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल है आखिर इतनी मिसाइलें दागने के बाद भी कैसे इस हमले में सिर्फ एक शख्स ही मारा गया, कैसे बस कुछ ही लोग घायल हुए, और क्या ये हमला सिर्फ आई वॉश था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।